अभी हाल में बसपा के टिकट पर निर्वाचित हुए अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद से अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता भी खुल गया। लेकिन अब खुलासा हो गया है कि आखिरकार अफजाल अंसारी आगामी चुनाव किसके साथ और कहां से लड़ेंगे। दरअसल अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर उनके बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबकतुल्लाह अंसारी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर भी अपनी बात रखी। कहा, अफजाल अंसारी फिलहाल बसपा से सांसद हैं और आगे भी 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी मौका देगी तो वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस तरह से अफजाल के भाई ने उनके चुनाव लड़ने की बात पर खुलासा तो कर दिया, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि अफजाल अंसारी बसपा से चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य दल से, ये तो इंडिया गठबंधन की स्थिति साफ होने के बाद ही पता चल पाएगा, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये तो साफ हो गया कि अफजाल फिर से मैदान में उतरेंगे, पर बसपा के साथ शायद नहीं, क्योंकि अफजाल बसपा से सांसद है और उनके भाई इंडिया गठबंधन की स्थिति साफ होने की बात कर रहे हैं, जबकि बसपा पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है ही नहीं। इसका मतलब तो यही निकलता है कि अफजाल अंसारी अब नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं।